आज का जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हो सकता है आज का टॉपिक आपको अंदर से झिझोड़े। एक चुनौती आपके सामने आएगी, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, और हो सकता है कि आप पलट कर वापस भी आ जाएं। परमेश्वर ने ये टॉपिक मेरे मन में डाला है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई है, कुछ आत्माएं हैं जो अकारण ही अविश्वास करने लगती हैं, अकारण अविश्वास। परमेश्वर जब आपको चुनता है तो विश्वास का वरदान देता है, आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, ताकि आप उसको समझ सके। परमेश्वर आपको क्यों माफ करता है, कभी सोचा है आपने? आपको पापों और शापों से क्यों माफ करता है परमेश्वर? क्यों माफ करता है? जैसे ही आप आते हैं आपको माफ कर देता है, क्योंकि आपके पाप जो है ना वो आपको कठोर कर देते हैं। शैतान आपकी समझने की बुद्धि को बंद कर देता है, इसलिए जैसे ही आपके अंदर से पाप निकलते हैं परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलता है ताकि आप परमेश्वर की भलाई को जान सकें। आमीन। आप जाने कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, आप क्या थे, आप महसूस करिए कि हम क्या करते थे, हम कहां गटर में थे, कीचड़ में थे, दलदल में थे, और वहां से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के लहू से हमें शुद्ध किया और हमें चट्टान पर खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली ताकि हम उस बुद्धि के साथ रहें, उसकी बुद्धि के साथ रहें, ताकि आप उसकी भलाई को समझ सकें। क्योंकि जब तक आप उसकी भलाई को नहीं समझेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब तक आप उसके प्रेम को नहीं जानेंगे, वो कितना प्रेमी है। हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपका पिता जब आपको पढ़ाता है, जब आपके लिए कुछ करता है और आपको कोई डांटता है, आप उस समय नहीं समझते। आप अपने पिता का नाम भी जानते हैं, आप जानते हैं कि आप कितने साल के हैं, अभी सारी चीजें जानते हैं, पर लेकिन पिता के मन को नहीं जानते आप, इसलिए आपको पिता की बातें बुरी लगती हैं। बुरी लगती है ना, आपको एहसास नहीं होता। घर छोड़ देते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गलत रिश्तों में चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, क्योंकि आप पिता की बातों को समझते नहीं है। आप पिता को जानते हैं कि हाँ मेरा पिता मिस्टर रमेश है, सुरेश है, मेरा पिता है, यहाँ रहता है, इन्होंने मुझे पैदा किया, लेकिन आप उसको जानते नहीं है। हालेलुया। कब जानते हैं? जब आप खुद पिता बनते हैं। जब आप पिता बनते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार किन कष्टों में रहकर मेरे पिता ने मुझको पाला होगा, तब उसको समझने लगते हैं। हालेलुया। इसी तरीके से आप यीशु मसीह के चमत्कारों को तो जानते हैं। आप जानते हैं 2023 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आया, मरियम की कोख से उसने जन्म लिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसने काम किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, 5,000 लोगों को खाना खिलाया, अद्भुत काम किए। लेकिन क्यों आप पीछे हैं? क्योंकि आप यीशु मसीह को नहीं जानते। उसके कार्यों को जानते हैं आप उसके कार्यों को जानते हैं। इसलिए पौलुस इफिसियों 3 में एक प्रार्थना लिखता है, उसका एक भाग है कि यीशु मसीह के उस प्रेम को जानूं जो ज्ञान से परे है। उसके लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है उस प्रेम को जानने के लिए। यीशु मसीह के प्रेम को जानने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप सुबह शाम तक पढ़ते रहिए, यीशु मसीह के प्रेम को जानने के लिए आपको यीशु जैसा बनना पड़ेगा, आपको संसार को ना करना पड़ेगा, आज आप प्रभु को पहला स्थान देना पड़ेगा। आज आपका दोस्त बोलता है कि आज पार्टी है शाम को,
हमको शाम को जाना है और आपको पवित्र आत्मा बोलता है नहीं जाना, तो आपको उस दोस्त के लिए मरना पड़ेगा कि नहीं मुझे पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को मना कर देते हैं और संसार में चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा अकारण अविश्वास हो जाता है, अकारण। और ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या परमेश्वर चाहता है, हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें? कई लोग शिकायत करते हैं, आज का यूथ शिकायत करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी छोड़ दें। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का मतलब है कि जो सही तरीका है उसके अनुसार चलें, और वो तरीका परमेश्वर ने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको जीवन निभाना है, किस तरीके से करना है। इसलिए ये वचन पढ़ेंगे, 25 का तीसरा वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 25 का तीसरा वचन पढ़िए। ये दाऊद यहां पर कहता है, दाऊद का भजन है जो बहुत ही जरूरी है, इस भजन को समझिए। पढ़िए बेटा। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। जितने तेरी बाट जोते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। जितने बाट जोते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे लेके जाएगा, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे आंसुओं को पोंछेगा, परमेश्वर मेरे दुखों को जानता है, परमेश्वर मुझे गड्ढे में से निकालेगा, परमेश्वर दया करेगा, दयालु है। जितने आप उसके बाट जोते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। लज्जित कौन होगा? जो अकारण विश्वासघात करते हैं, अकारण धोखा देते हैं, अकारण अविश्वास करते हैं, पलट जाते हैं कि नहीं बहुत हो गया, अभी संसार की अभिलाषाएं आपको अकारण अविश्वास करने पर प्रेरित करती हैं। आपका एम जो आपने सोचा हुआ है, मेरा ये एम है, मैं ये करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं यहां तक जाऊंगा, मैं ये नौकरी करूंगा, आप भूल जाते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बना सकते। परमेश्वर है जिसने आपके भविष्य की रचना की है, और वो आपसे ज्यादा जानता है। वो जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, वो जानता है कि आप में क्या हुनर है। हर एक में उसने अपना अपना हुनर डाला है। हालेलुया। अकारण अविश्वास, अकारण अविश्वास करने वाला मसीह एक श्रापित होता है, उसके ऊपर श्राप आता है। अगर वो मसीह है, उसने बपतिस्मा लिया है, प्रभु को जानता है 10 साल 20 साल 25 साल, अकारण अगर उसका अकारण अविश्वास होता है, अकारण अविश्वास करता है, तो वो श्रापित है। हालेलुया। आपको पता है क्रूस पर यीशु मसीह को किसने चढ़ाया? क्रूस पर यीशु मसीह को किसने चढ़ाया? हालेलुया। इब्रानियों 6:4-6 पढ़िए, निकालिए, इब्रानियों 6:4-6। हेलो, यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? आपके पापों ने। बोलिए, मेरे पापों ने। यीशु मसीह को क्रूस पर, बोलिए बोलिए, अंगीकार करिए, यीशु मसीह को क्रूस पर मेरे पापों ने चढ़ाया, मेरे गुनाहों ने चढ़ाया, मेरी गलतियों ने चढ़ाया। आमीन। यीशु मसीह को क्रूस पर, क्लियर है? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके पापों की वजह से तो मरा वो। हालेलुया। तो जो अकारण अविश्वास करते हैं वो क्यों करते हैं? आइए हम वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 6:4-6, इब्रानियों 6:4-6 पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। उनकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? आपकी बात कर रहा है। हेलो, हम यहां से चूक जाते हैं कि नहीं नहीं यार, मैं तो नहीं हूंगा, ये मैं नहीं हूंगा,
ये तो कोई और किसी और की बात हो रही है, ये आप ही की बात हो रही है, ये बाइबल आप ही की तस्वीर आपको दिखा रही है आज। हेलो, आप रोज आईना देखते हैं कि नहीं देखते हैं? दिन में 10 बार अच्छा फिर गए फिर आए। यहां मैं देखता हूं हमारे रूम में हमारे बच्चे जाते हैं, बार बार देखते हैं फिर आते हैं, हैं आईना कि कहीं एक बाल तो इधर नहीं निकल गया, उधर तो नहीं निकल गया। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय स्वाद का स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागीदार हैं। पांचवा, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। जो चिन्ह चमत्कारों का स्वाद चख चुके हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आपने चखा है कि नहीं चखा है? हाँ के ना, आपने परमेश्वर के स्वाद का सामर्थ का स्वाद चखा है, चिन्ह चमत्कार का स्वाद चखा है, परमेश्वर का आशीष पाई है। हालेलुया। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आगे छठा, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये थोड़ी सी लाइन समझने वाली है ना? आप कहेंगे ये इस लाइन में मैं नहीं हूं, ये लाइन मेरी नहीं है। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था? यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा? आपके पापों की वजह से। आपने पाप किए इसलिए वो क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। यहां पर क्या कहता है? क्योंकि वो लोग रोज यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? पाप करते हैं। जब आप मसीह होने के बाद पाप करते हैं तो आप क्रूस पर चढ़ा रहे हैं मसीह को। हेलो, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए, ये शब्द तो मैं भूल ही गया, हेलो आई एम सॉरी, अपने लिए। आपने समझा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ चुका है, हो गया, अभी पाप करो, क्या हुआ? थोड़ा झूठी तो बोलना है, धोखा तो देना है, किसी का खून तो करना है, व्यभिचारी तो करना है। हेलो, आपका झूठ बोलना यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहा है। हालेलुया। क्यों आप अविश्वास कर रहे हैं? क्यों आप विश्वासघात करते हैं? क्योंकि आप पाप करना नहीं छोड़ते हैं। आप इसकी गंभीरता को लेते ही नहीं है कि आप पाप से मुक्त हो चुके हैं। आप इस गंभीरता को नहीं ले रहे हैं। आप पाप को बड़ी इजी सी समझ रहे हैं। आप गवाह देते हैं, मैं चर्च आया और चर्च आने के बाद सर मेरी टांग लड़खड़ाती थी, अब टांग सीधी हो गई। मैं चर्च आया, मेरे घर में झगड़े होते थे, झगड़े बंद हो गए। मैं चर्च आया, एक हाथ मेरा चलता नहीं था, अब चलने लगा। आप कभी गवाही नहीं देते हैं कि मैं चर्च आया, पहले मैं पाप के बारे में सोचता था, अब नहीं सोचता हूं। आमीन। क्यों मरा यीशु मसीह आपके लिए? ताकि आप पाप से दूर हो जाए। हम बीमारियों से दूर होना चाहते हैं, पाप से नहीं। हम गलत काम करते रहेंगे, हम अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि हमको कार्ड मिल गया है, अब तो हमें अनंत काल का जीवन मिल गया है। आप गलत फहमी में, आप समझते हैं अनंत काल का जीवन मिल गया है, हम चर्च से जा रहे हैं। क्यों आप अविश्वास कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम नहीं कर पा रहा है? हेलो, क्योंकि आप उतना विश्वास कर रहे हैं जितना है। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, अगर आप यूहन्ना की पत्री निकालेंगे, हालेलुया, मैं यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय निकाली। देखिए आज मैं आपको कुछ समझाने की फिराक में हूं, समझा सकता हूं आपको? हाँ के ना,
अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? जैसा समझाऊंगा वैसे चलेंगे। आमीन, हालेलुया। जॉन 6:47 ध्यान से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से समझिए। 6:47 यूहन्ना 6:47 लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, आमीन। क्या कहता है? जो विश्वास करता है अनंत काल का जीवन। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? अनंत काल का जीवन किसका है? बोलिए ना, अनंत काल का जीवन किसका है? बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच ही इंफेसाइज कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच है, कि मैं सच सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल का जीवन उसका है। आप लोग विश्वास करते हैं? सब लोग विश्वास करते हैं? अपने का हाथों को उठाइए, विश्वास करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। यूहन्ना 7:38 एक बार और, यीशु मसीह ने क्या कहा? 7:38 छे का नहीं बेटा, 7 का। हाँ बोलिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से जीवन के जल का नदियां बह जैसा निकलेगी। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोगों के जीवन के जल, हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह रही हैं? आज दूसरों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। एक और वचन पढ़ाऊंगा वहां का, यूहन्ना 14:12 John 14:12 ध्यान से समझिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनके इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्या कह रहा है वो? कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करेगा जो मैं काम करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आप विश्वास करते हैं? आप करते हैं वो काम? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या आपने मुर्दों को जिंदा किया? अंधों को आंखें दी हैं? कोढ़ियों को शुद्ध किया? 5,000 लोगों को खाना खिलाया? 5 रोटी 2 मछली से खिलाया आपने? तो ये वचन गलत है? वचन तो कहता कि आप कर सकते हैं। हम मुर्दों को क्यों जिंदा कर पा रहे हैं? समझे कि नहीं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उसका अंगीकार नहीं कर रहे हैं। हम समझते नहीं कि मैं इस काबिल हूं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आप पूरी तरीके से प्रभु में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमें हर वो वचन पे विश्वास करना जो इसमें लिखा हुआ है, और करना ही नहीं हमें विश्वास, वो काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने किसी मुर्दे को जिंदा किया या अंधों को आंखें दी तो घर में थोड़ी बुलाया था उसने, वो गया रास्ते में मिला उसको, हाथ लगाया, ठीक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे काम करता है आपके अंदर? जब तक वचन आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा। डिटोनॉमी 28 देखिए, उसके प्रोमिसेस के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। डिटोनॉमी 28:1-5 के बीच में। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी पर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमेन, आमेन। यदि तू उसकी आज्ञाओं पर चले और उसके वचन को समझे और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए, तो क्या करेगा वो?
तो वो पृथ्वी पर की सब जातियों में तुझे आशीष देगा। आमीन। सबसे ज्यादा आपको आशीष मिलेगा अगर आप उसके वचन पे चलेंगे। यहां देखिए, ये नहीं लिखा हुआ कि यदि तू अपना काम ईमानदारी से करे, तू नौकरी अच्छी तरीके से करे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। संसार के काम अच्छी तरीके से करे, ये नहीं लिखा हुआ है। मेरी आज्ञा पे चले, उसकी जिम्मेदारी आपको रोटी देना। वो क्या कहता है, यदि तू मेरे वचन पे चले और मेरी आज्ञाओं पे चले तो मैं तुझे आशीष दूंगा। अगला, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद, कौन से आशीर्वाद? तीसरा वचन पढ़िए, धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू नगर में, जिस नगर में तू रहता है वहां तू धन्य होगा। आमीन। जिस नगर में तू रहता है वो नगर धन्य होगा बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तू उसकी आज्ञाओं पे चलता है, तू उसके वचन के अनुसार चलता है। अभी आप कहेंगे उसकी आज्ञाओं पे चलने से और उसके वचन पे चलने से मैं धन्य कैसे हो जाऊंगा, मैं कैसे आशीष पाऊंगा? मैं आपको बताता हूं, जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, जब आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब उसके वचन आपके जीवन में आएंगे तो वचन ज्योति है। वचन क्या है? आमीन। आपके अंदर ज्योति आएगी और आपके अंदर जो अंधकार है वो निकलेगा। हालेलुया। आप को जिंदगी में सही चीजों का चयन करना आसान होगा। आप क्यों नाकामयाब होते हैं? क्योंकि आपको जीवन में वो लोग मिले जो गलत थे। मुकेश अंबानी क्यों है? उसका बाप ने क्यों, एक ही पूरे जन्म में उसने 65,000 करोड़ कमा लिया। क्यों? क्योंकि उसकी योजनाएं सही होने लगी, उसकी सारी योजनाएं सही थी, उसकी सारी योजनाएं सफल हुई। आपकी हमारी योजना क्यों नहीं सफल हो रही है? हम योजनाएं तो बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे। क्या आपने जिंदगी में कम पढ़ाई की होगी? क्या आपने गलत सोचा होगा? क्या अपने लिए? हर आदमी अपने लिए अच्छा सोचता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपको सही लोग नहीं मिल रहे हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है, जब परमेश्वर की आज्ञाओं के आप अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर आती है। हालेलुया। और परमेश्वर की समझ आपको बुद्धि देती है कि आपको क्या करना है। अगर परमेश्वर आपके साथ है और वो बताता है कि आपको इस रास्ते पे नहीं चलना, इस रास्ते पे चलना है, और आपने परमेश्वर की बात मानी और इस रास्ते पे चले, यहां पर आशीष है। आमीन। जिसने नहीं मानी वो उस रास्ते पे गया, उसने कुछ नहीं पाया। तो वो क्या कहता है, धन्य है वो तू नगर में, धन्य है तू खेत में, यानी कि उसकी आशीषें आपकी हर जगह है, हर जगह है। परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की वचन आपके अंदरूनी मनुष्य को ज्योतिर्मय करती हैं। हालेलुया। ज्योतिर्मय करिए अपने आप को, तब आपकी समझ होगी। हां, तब आप शैतान के खेल को समझ पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि हां यहां गलत हूं मैं यार, ये नहीं करना चाहिए मुझे। तब आप उस आशीष को लेने लग जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। मत्ती 11 का 6 निकालिए, देखिए एक बहुत अहम बात मैं आपको बताता हूं। मत्ती 11 का 6 बाइबल क्या कहती है, Matthew 11:6, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। देखिए Matthew 5:6-7 में अगर हम पहाड़ी उपदेश पढ़ेंगे, Matthew 5 में पर यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वो जो मन का दीन है, धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो दयावंत है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, धन्य है जिसका मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य धन्य कई चीजें परमेश्वर ने बताई, बाइबल ने लिखी है कि धन्य वो है जो परमेश्वर के वचन पर चलता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। कैसे आप उसके कारण ठोकर खा सकते हैं? हालेलुया। कब आप उसके कारण ठोकर खाते हैं? जब आप उसको समझ नहीं पाते, जब आपके जीवन में आपने प्रार्थना के लिए अर्जी लगाई और प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं,
एक साल हो गया, दो साल हो गया, चार साल हो गया, पांच साल हो गया, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। और अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप ठोकर खा रहे हैं कि नहीं गलत है परमेश्वर, क्या कमी है, क्यों नहीं कर रहा मेरी प्रार्थना पूरी। कई ऐसा होता है ना, अभी आप कई बार सोच सकते हैं कि साहब ये ऐसा संसार में हो रहा, लड़ाइयां हो रही हैं, तो परमेश्वर क्यों नहीं बंद कर देता इन लड़ाइयों को यार, हैं? क्यों इतने लोग मर रहे हैं बेचारे मासूम, क्यों नहीं कर पा रहा। हालेलुया, होता कि नहीं होता आपके जहन में ये सवाल उठता है ना, क्यों नहीं हो पा रहा है। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आप एक किसी भाई को सुसमाचार सुना रहे हैं, उसको बता रहे हैं, और उसकी कठोरता बढ़ती जा रही है, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि आप शक कर रहे हैं, आप संदेह कर रहे हैं, आप चर्च छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं ये चर्च ठीक नहीं है यार, यहाँ के पास्टर में सामर्थ नहीं है, ये पास्टर सही नहीं बोलता यार। काम कौन करने वाला है, पास्टर या प्रभु? आमीन। काम करने वाला कौन है, ये वचन। ये वचन अगर आपके अंदर जाएगा तो वो काम करेगा। मैं काम करने वाला नहीं हूं। आपकी भूख कौन मिटाता है, रोटी। आपकी मम्मी जो रोटी बनाती है वो आपकी भूख नहीं मिटाती है, आपकी मम्मी ने रोटी बनाई और आपको परोस दी, जब आप खाएंगे तो ही तो आपकी भूख मिटेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप इस वचन को खाएंगे तभी तो ये वचन अंदर काम करेगा। हालेलुया, तो क्या कहता है वो, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते हैं। मरियम मग्दलीनी जब सुबह सुबह यीशु मसीह की कब्र पे गई थी, हालेलुया, तो सैनिकों से उसने कहा कि मेरे प्रभु को मुझे दे दे। हालेलुया, सारे चेले ऊपर बैठे थे ऊपरी कोठरी में, मरियम मग्दलीनी कब्र के पास थी, सुबह सुबह अंधेरा था। प्रेज द लॉर्ड, और क्या मांग रही थी, प्रभु की लाश। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि यीशु जिंदा है या मर गया है, यीशु जैसा भी है मेरा है। यीशु मुझे कुछ दे रहा है इसलिए मेरा यीशु नहीं है, यीशु मुझे नौकरी दे रहा है इसलिए मेरा यीशु है, यीशु मेरा धंधा बना रहा है इसलिए मेरा यीशु है। आप कब ठोकर खाते हैं उसके कारण, जब आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह मुझे देने वाला है, और जब नहीं देता है, जब यीशु मसीह के नाम से, जब यीशु मसीह की प्रार्थना की आपको नहीं मिलता है तो आप ठोकर खाते हैं। आप कहते नहीं यार ठीक है, यीशु मसीह भी है तो बहुत में है यार, बहुत ही मूर्तियां भी हैं, वहां भी प्रार्थना कर लेंगे आप, और आप ठोकर खाते हैं। हालेलुया, हमारे जीवन में कई बार होता है हम कुछ मांगते हैं और हमें को परमेश्वर नहीं देता है, नहीं देता है, क्योंकि आपको समझ नहीं है। आपका 5 साल का बेटा आपसे 2000 मांगेगा आप देंगे? आपका 2 साल का 5 साल का बेटा बोलेगा पापा मुझे 2000 रुपये दो, आपके पास लाखों हैं तब भी देंगे आप? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, 2000 क्यों भाई, किसने 2000? नहीं पापा दोस्त ने ये लिया। अरे क्या बच्चों, चलो बैठ जाओ, ये लो 2 रुपये। यही बच्चा अगर 25,000 का 25 साल का हो जाएगा और कहेगा पापा मैं घूमने के लिए जा रहा हूं मुझे 5,000 रुपये दो, ओके यार, क्योंकि 25 साल का वो समझ है उसको 5,000 की। आमीन। अब जो 5 साल का बच्चा है आप उसे 2000 नहीं दे रहे हैं और वो ठोकर खाए कि नहीं साहब ये मेरा बाप ही नहीं है, ये मेरा बाप नहीं, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता यार, मुझे 2000 रुपये नहीं दे सकता यार, ऐसे ये कौन सा बाप है, इतनी बड़ी कोठरी है, इतना कमाता है, इतना बैंक बैलेंस है, गाड़ी में घूमता और मुझे 2000 रुपये नहीं देता, ये बाप नहीं मेरा। तो क्या वो बच्चा ठोकर खाएगा, ठोकर खा रहा है क्योंकि वो समझ नहीं रहा है बाप को। इसमें भी बाप का प्यार है कि कहीं मैं 2000 रुपये दिया ये गलत चीज तो नहीं लेकर आ देगा, गलत संगति भी तो नहीं पड़ जाएगा, ये क्या है, पर क्या है, पिता का क्या है, प्रेम है, इसलिए वो उसको नहीं दे रहा। लेकिन वो नहीं समझ रहा, वो ठोकर खा रहा है,
इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कई बार होता है जब आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो आप उन प्रार्थनाओं में जब पूरी नहीं होती हैं तो आप उसके और करीब आते हैं या ठोकर खाते हैं। हालेलुया, ये आपको चेक करना है। मेरा प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, वो मुझे दे तो भी मेरा प्रभु है, वो मुझे नहीं दे तो भी मेरा प्रभु है। हालेलुया, वो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसने मेरे पापों शापों से मुझे मुक्त किया, इतना ही काफी है मेरे लिए। इसलिए धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आमीन। मेरी बहन, बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे जरूरी है, अगर आपके जीवन में वचन नहीं काम कर रहा तो अकारण ही आपको किसी ने नौकरी से निकाला, आपकी काम की वजह से आपने काम अच्छा नहीं किया और नौकरी से निकाल दिया, आप प्रभु को दोषी देंगे। जैसे आदम ने दोष किया था, तूने जो बीवी रखी है मेरे लिए उसने मुझे धोखा दिया है। तेरे पास आंख नहीं थी क्या? तेरे पास बुद्धि नहीं थी क्या? हालेलुया। हव्वा 24 घंटे नहीं रही थी, आदम 24 घंटे रहा था प्रभु के साथ। आदम ने 24 घंटे बिताए थे उसके संग सहभागिता में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आदम परमेश्वर पर भी दोष लगा रहा था कि बिकॉज ऑफ यू इस लड़की, इस औरत ने मुझे वो फल खिला दिया। दोष लगाते हैं। इसलिए वो कहता, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। मैं यीशु को जानने की कोशिश करिए मेरे भाई, यीशु के प्रेम को समझने की कोशिश करिए, उसके लिए आपको यीशु जैसा बनना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए मरना पड़ेगा, आपको अपने अहम को मारना पड़ेगा। नो, आपको दीन और नम्र बनना पड़ेगा। अगर आपको जरा सी बातें बुरी लगती हैं, इसका मतलब आप मरे नहीं अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। कुलुसियों 3 का 2 क्या कहता है? हम मसीह, हमें कैसा जिंदगी जीनी है, एक मसीह के रूप में हमें कैसी जिंदगी जीनी है। कुलुसियों 3:2, कुलुसियन 3:2 पढ़िए बेटा। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तीसरा, क्योंकि तुम मर गए हो, क्योंकि तुम, सब लोग बोलिए, मैं मर गया हूं, मैं मरा हूं। हालेलुया। एक मरने वाले, एक मरे हुए इंसान को फर्क पड़ता है कि कोई आपके पास से गया, किसी ने आपके ऊपर पैर रखा, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, किसी ने आपकी चेन खींच ली। एक बेटा आया, अरे चेन है पापा, तो मर गया, चेन निकाल ली। अरे अंगूठी नहीं निकल रही, उंगली काट ली। आप तो मरे हुए, आपको कुछ ले जाओ। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु को कब पाएंगे, हम यीशु मसीह के प्रेम को कब जानेंगे? जब हम यीशु मसीह में मरे हुए होंगे, जब हम दुनिया के लिए मर जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप गाली दे रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आमीन। क्या कहा था यीशु मसीह ने? क्या यीशु मसीह समझा नहीं सकते थे? क्या यीशु मसीह के पास इतनी बुद्धि नहीं कि वो आपको समझा सके? लेकिन जब आप क्रूस पर था तो क्या बोला उसने? पिता परमेश्वर, इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आमीन। उन लोगों ने मुंह पे थूका, कोड़े मारे, गालियां दी, तभी तो वो चोर जागा, कह रहे हैं ये माफ कर रहा है, इसने कोई पाप भी नहीं किया और फिर भी ये माफ कर रहा है। प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। मैं हमें अपने स्वभाव को प्रभु के स्वभाव जैसा बनाना है, तब हम यीशु को पा पाएंगे, तब यीशु का वचन हमारे अंदर ज्योति लाएगा। हालेलुया। किसी ने हमको थप्पड़ मारा, हमने भी मार दिया, तो पहले ही करते थे हम। ये थोड़ी सिखाया यीशु मसीह ने हमको,
क्यों कहता है यीशु मसीह, एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो? क्या सिखाना चाहता है प्रभु? मेरा स्वभाव तुम में आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अकारण अविश्वास करना गलत है। यहूदा इस्करियोती ने अकारण अविश्वास किया था। कुछ नहीं यीशु मसीह, कुछ यीशु मसीह ने गलत किया था यहूदा इस्करियोती के साथ। यीशु मसीह ने चुना था यहूदा इस्करियोती को, अपना चेला बनाया था। जब 12 को भेजा उसने 10वें अध्याय में, तो यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को भी अधिकार दिया। यहूदा इस्करियोती ने भी चमत्कार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सब कुछ किया। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए। हालेलुया। लेकिन अकारण यहूदा इस्करियोती ने विश्वासघात किया। अकारण यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की। यीशु ने बताया कि जो मेरे सामने मेरे हाथ मेरे कटोरे में हाथ डाल रहा है वही है। वो बता रहा है तू है बेटा, मांग ले, अभी भी सॉरी बोल, मैं तुझे माफ करूंगा। अभी भी सॉरी बोल, मैं तेरे पैर छूता हूं, मैं तेरे पैर धोता हूं, अभी भी माफी मांग रहा, क्योंकि वो जानता है कि तेरी कठोरता तुझे नरक लेके जाएगी। मैं तुझे स्वर्ग में लेके जा रहा हूं मेरे बच्चे, माफ कर, मैं तेरे पैर धो रहा हूं। प्लीज मुझे समझ यहूदा, समझ, तेरा कठोरता, तेरा जो गुस्सा है, तेरा जो लालच है, वो तुझे नरक में लेके जाएगा मेरे बच्चे, प्लीज मैं तेरे पैर धो रहा हूं। नहीं समझा, क्योंकि शैतान उसकी बुद्धि पढ़ता। अकारण अविश्वास किया, कोई कारण नहीं था, कुछ भी यीशु मसीह ने गलत नहीं किया था। हम भी अकारण कभी कभी अविश्वास करते हैं, अकारण हम गुस्सा करते हैं, अकारण हमारे मन में घिनता आ जाती, घृणा आ जाती है, गलत है। कौन काम कर रहा है? अगर हम अकारण करते हैं तो शैतान। क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन पर आए, शैतान आप पर प्रभुता करे? इससे अच्छा दीन रहना अच्छा है, किसी की सह लेना अच्छा है, माफी मांग लेना अच्छा है, क्योंकि शैतान मेरे ऊपर ना आए, मैं शैतान के अनुसार ना चलूं। आमीन। क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर। हमें उसके संग जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? आपका एम क्या है? उसको पाना, उस तक पहुंचना मेरा एम है। अपने जीवन का एम तय करिए। आप नौकरी आपका एम है, धंधा आपका एम है, आपका स्वभाव आपका एम है, आपका ईगो आपका एम है, कि आपको प्रभु को पाना आपका एम है। आमीन। इसलिए जिस दिन आपने अपने एम को स्वीकार कर लिया, उस दिन आपको सब कुछ छोड़ना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ। अकारण अविश्वास कभी मत करिए, नहीं तो प्रभु का श्राप आपको मिलेगा। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।